हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पर हम एनसीईआरटी का ब्रीफ स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी को इतना वेटेज क्यों दी जाती है, क्योंकि नीट में बायोलॉजी की बात करें तो मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ओनली फ्यू क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पर ही करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट किया है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसमें मैं लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग किसे कहेंगे? फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्वाइन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। सेकेंड यहाँ पर बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को डिफाइन नहीं कर सकता कि कितना ग्रो कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल, है कितना ग्रो करेगा इट इज नॉट डिफाइंड, सो इट इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड करेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन, लाइकवाइज इट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो कैन नॉट बी रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन इक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रोथ, इट इज ऑल्सो अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर एक एंड दो इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एन जी आर एंड फॉर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जी ग्रोथ एंड और रिप्रेजेंट रिप्रोडक्शन। NGR नॉन डिफाइनिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। थर्ड बात करते हैं, अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। थर्ड करेक्टरिस्टिक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं मेड अप ऑफ केमिकल्स, तुम्हारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। अभी तक हमने पढ़ा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट मेटाबॉलिज्म द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कॉन्शियसनेस आल्सो देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम बात करते हैं डाइवर्सिटी, टोटल नंबर कितनी डाइवर्सिटी है। नंबर ऑफ स्पीसीज डेटा नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ वर द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। 1.7 to 1.8 million बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेम नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में जाना जाए इस प्रोसेस को कहते हैं नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन। देन नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली टू नो व्हाट द नेम इज अटैच्ड टू इट, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। ICBN एंड ICGN, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICGN कोड और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करेंगे क्योंकि बहुत बार पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो इसे आप याद कर लेंगे ICGN एंड ICBN। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट जेनरिक नेम एंड देन स्पीसीज स्पेसिफिक इफिस। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम, जो सिस्टम है नेम प्रोवाइड करना, तो कंपोनेंट्स कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जिसको किसने दिया था नेमिंग, पैरोलस लेनियस नेम में क्या होता है, फर्स्ट जेनरिक नेम एंड सेकंड स्पीसीज इपिक। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लेनियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्पल बोला गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था, कैरोलस लेनियस। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट, ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जिसे आप पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कैसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम्स और जनरली इन लैटिन इटैलिक्स एंड आर इनिशियली डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट जीनस व्हाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोट स्पीसीज। बोथ बायोलॉजिकल नेम, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर वाइल स्पीसीज एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। इट कैन बी रिलेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। तो अगर हम लिखे मैग्नीफेरा इंडिका, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीफेरा इंडिका एम कैपिटल लेटर स्टार्ट, यहाँ पर मैग्नीफेरा कैपिटल लेटर एम से स्टार्ट है, बट जो स्पीसीज है स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर कई बार पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आता है कि करेक्ट नेम आइडेंटिफाई करिए, तो यहाँ पर याद रखेंगे जो फर्स्ट लेटर जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा वाइल स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का फर्स्ट आता है इसमें स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। लेट अस कंसीडर मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम, पोटैटो, पैंथ्रा लियो लायन। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पीसीज। फर्स्ट वर्ड मैग्नीफेरा, सोलेनम एंड पैंथ्रा जिनरा। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस।
सेकंड बात करते हैं जीनस। जीनस इज कंप्लाइज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। इसमें कहता है रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। पोटैटो एंड ब्रिंजल डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंग करते हैं सेम जीनस सोलेनम। थर्ड बात करते हैं फैमिली। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जनरा सोलेनम पिट्यूनिया एंड हथौड़ा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। फोर्थ बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर इज बींग अ हायर कैटेगरी। ऑर्डर इज अ हायर कैटेगरी असेंबली ऑफ फैमिली विद एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स लाइक प्लांट फैमिलीज लाइक कलोनेलेसी सोलेनेसी और इंक्लूड इन द ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनेस मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनेडी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास ऑर्डर प्राइमेटा। कंप्राइजिंग ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी गोरिल्ला जिबन प्लेस इन द क्लास मेमेलिया विद ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर कैट डॉग। क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज कॉल्ड डिवीजन वाइल इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज कॉल्ड फाइलम। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम। इट इज द हाइएस्ट ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइंड टू द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। टेबल दिया गया है ऑर्गेनिज्म विद टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कुछ नेम्स कॉमन नेम्स इनके बायोलॉजिकल नेम्स दिए गए हैं। कॉमन नेम्स दिया है बायोलॉजिकल नेम्स जीनस फैमिलीज ऑर्डर क्लास फाइलम। अभी हाल में नीट 2021 में पूछा गया था इम्यूसीडी दिया हुआ था उसमें से पहचाना था ये किसका फैमिली है। हाउस फ्लाई दिया था फायर फ्लाई कॉकरोच ग्रास ऊपर तो इसको याद रहा होगा उसने तो लगा दिया होगा सही ठीक हाउस फ्लाई तो इसलिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोमिकल एयर्स। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज प्राइम सोर्स ऑफ टेक्नोमिकल स्टडीज इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हार्बेरियम द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। हार्बेरियम में क्या कहते हैं कलेक्ट करते हैं प्लांट स्पेसिमेन को उसको ड्राइड करते हैं प्रेस्ड करते हैं प्रिजर्व करते हैं सीड्स पर। बात करते हैं नेक्स्ट की क्या होता है कि इज अनदर टेक्नोमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। की का यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को उसके सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर। की आर बेस्ड ऑन दी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ईच स्टेटमेंट की कॉल्ड लिड स्टेटमेंट होता है की में कहते हैं लिड। सेपरेट टेक्नोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्नोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। फ्लोरा मेनुअल्स मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन दे आर आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। का ये वीडियो खत्म हुआ इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे जितने भी नीट प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।